अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। नर्वस सिस्टम की जब बात की जाती है तो पहले जानदार जो पहले दुनिया पे आ चुके थे उनके पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम थे। उनसे आगे इवोल्यूशन आगे स्टार्ट हुई और इवोल्यूशन के बाद जितने मॉडिफाइड एनिमल्स आए उनके पास जो नर्वस सिस्टम बन गया वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। मतलब पहले डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था, उसकी इवोल्यूशन के बाद कौन सा आया, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम आ गया। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम नाइडेरियन के पास है। नाइडेरियन के अंदर कौन आता है, हाइड्रा, जेलीफिश और उसके कुछ रिलेटिव्स। ये हाइड्रा और जेलीफिश के पास कौन सा है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। मगर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, प्लेटी हेलमेंथी से लेकर कोडेड तक, इवन ह्यूमन बींग तक, आपके पास जो जानदारों के पास जो नज़र आता है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। अब हाइड्रा की बात की जाएगी, आपके सामने हाइड्रा है, इसके पास ये देखें नेटवर्क ऑफ न्यूरोन है, ये न्यूरोन मौजूद होते हैं, ब्रेन बुरन टाइप की कोई चीज़ नहीं मौजूद। रिंग ऑफ गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ये आपके सामने हाइड्रा का नर्वस सिस्टम देखेंगे जो कौन सा, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। प्लेनेरिया देखें, प्लेनेरिया के पास लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है, नर्व्स होती है लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल नर्व भी होती है, इवन ब्रेन लाइक ब्रेन टाइप का एक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, आई स्पॉट्स भी हैं। ये आपके सामने प्लेनेरिया का मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ कि इसके पास कौन सा सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन एरिया की। जैसे मैंने बात की, प्लेन एरिया के पास बाइलूट मैस ऑफ टू गैंग्लिया है, इसके पास आपको दो गैंग्लिया नज़र आते हैं जो कि ऊपर की तरफ बाइलूट फॉर्म में होता है। और ये गैंग्लिया जोन सा होता है, ये देखा जाए ये एक्ट करता है एज अ ब्रेन की तरह। ब्रेन की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि ये रिसीव करता है और सेंड भी करता है इंपल्स को, जितना भी मैसेज आता है उसको पकड़ना, उसको सेंड कर देना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ। ये इसका काम है, जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया जो दो हैं जो कि ब्रेन की तरह काम करें। हाइड्रा के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, इसके पास एब्सेंट है सच कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, इसके पास ऐसा कोई कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या इस तरह के न्यूरॉन मौजूद नहीं होते। प्लेन एरिया के पास जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम रखता है, डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं, इसके पास सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, एसोसिएटेड न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का काम है कैरी करना इंपल्स को ब्रेन की तरफ भेज देना, मतलब कि मेन पार्ट की तरफ भेज देना। मोटर न्यूरॉन कैरी करता है इंपल्स को ब्रेन से और फिर नीचे की तरफ भेज देना, जो ब्रेन से नीचे की तरफ भेज देता है उसको क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन है। और जो एसोसिएटेड न्यूरॉन है, ये ब्रेन के अंदर या लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स के अंदर मौजूद होता है, एसोसिएटेड न्यूरॉन है। इस तरह के न्यूरॉन या न्यूरॉन है, पर इस तरह के एज इट इज डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स नहीं है, मतलब इन विच एब्सेंट ऑफ डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मौजूद है पर ये डिफरेंशिएट नहीं है कि सेंसरी कौन सा है, मोटर कौन सा है, एसोसिएटेड न्यूरॉन कौन सा होता है। अब देखेंगे प्लेन एरिया के पास जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम रखते हैं, इसके पास सेंस ऑर्गन मौजूद हैं, जैसे आइज हो गया, कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, पर हाइड्रा के पास ऐसे स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन नहीं है, जैसे आई स्पॉट वगैरह नज़र नहीं आते। जैसे आप कह सकते हैं ये प्लेन एरिया के पास आई स्पॉट वगैरह मौजूद है, सेंसरी ऑर्गन है, पर ये हाइड्रा के पास ऐसा कोई सेंसरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। अब ज़रा सी बात करते हैं, प्लेन एरिया के पास रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं टच और प्रेशर ग्लास है, मतलब ऐसे रिसेप्टर सेल मौजूद हैं जो टच का रिस्पॉन्स देते हैं, प्रेशर का रिस्पॉन्स देते हैं, पर हाइड्रा के पास एब्सेंट होते हैं स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स, इसके पास मौजूद नहीं होते। जबकि प्लेन एरिया के पास देखा जाए आपको नर्व्स नज़र आती हैं, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं, ये लंबाई के रुख में है, लेटरल नर्व्स भी होती हैं, जैसे कि प्लेन एरिया के पास लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल नर्व्स मौजूद होती हैं, बट हाइड्रा के पास कोई भी नर्व्स मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है नर्व्स। बात करते हैं जो प्लेन एरिया है, इसके पास सुपरफिशियल नर्व होती है जो ऊपर स्किन के ऊपर वाली, मतलब सबसे ऊपर लेयर पर होती है, और जस्ट बिलो होती है एपिडर्मस, एपिडर्मस से ज़रा नीचे है सुपरफिशियल नर्व मौजूद है। इवन केवन इसके पास डीपर अंदर जाकर भी इम्बेडेड होती है पीलक्स, मतलब जाल की फॉर्म में भी मौजूद होती हैं, जो कि पेरेनकाइमा के अंदर जो ये टिश्यूज़ हैं, पेरेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर इम्बेडेड होते हैं पीलक्सिस। पीलक्सिस का मतलब क्या है, जाल की फॉर्म में भी नर्व्स मौजूद होती हैं, बट हाइड्रा के पास सिर्फ से सिर्फ सुपरफिशियल नर्व मौजूद हैं, इसके पास गहराई में डीपर साइड पर जाके कोई भी नर्व्स मौजूद नहीं होते। तो ये बड़ा आसान सा कंपैरिजन था जो आपने एज इट इज लिखना होता है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।